छतरपुर गांव के एक छोटे व्यापारी लल्लन ने अपने यहाँ गाय, बकरी, कुत्ता और गधा पाल रखा है। इन सब के बीच गधा एक नंबर का आलसी है। उसे काम करने की बजाय फालतू की बातें करना, बढ़ाई मारना और फालतू में घूमना पसंद है। वो इतना आलसी है कि सामने पड़े चारे तक भी जाना नहीं चाहता। बकरी से कहता है, बकरी बहन, जरा चारा यहाँ खिसका दो ना, अब कौन उठे। ओफो गधे भैया, आप इतने आलसी क्यों हैं? इतना आलसी है, फिर भी हम में से सबसे ज्यादा काम इसे ही करना पड़ता है। हाँ, हमारे मालिक इसकी पीठ पर नमक की बोरी लाद कर ले जाते हैं, गांव के नदी का पुल पार करके शहर पहुंचते हैं, नमक बेचते हैं और शाम को वापस आते हैं। अबे गधे कहीं के, अभी तक चर ही रहा है, कितना चरेगा? अब तेरे चरने के नहीं, चलने का टाइम है, चल। रात भर बारिश हुई है, इससे पहले कि फिर बारिश हो हमें शहर पहुंच जाना है। मालिक हमेशा की तरह गधे की पीठ पर नमक की 3-4 बोरी लादकर शहर की ओर चल देता है। वो नदी के पुल पर पहुंचते हैं। पूरी रात बारिश होने की वजह से गीले पुल को जैसे ही वो पार करना चाहते हैं, अचानक गधे का पांव फिसलता है और वो नदी में गिरता है। पानी में तड़पने लगता है, ढेंचू ढेंचू करने लगता है। घबरा मत मेरे गधे, मैं आ रहा हूँ। अरे यार, चल घर वापस चलते हैं। गधे को इतनी जल्दी वापस आ गया देख बाकी जानवर पूछते हैं, अरे गधे भाई, आज तुम इतनी जल्दी वापस कैसे आ गए? अरे यार, रात भर बारिश हुई थी ना, मैंने मालिक से कह दिया था आज काम का मूड नहीं है, वापस चलो वरना दुलत्ती मारकर दांत तोड़ दूंगा। मालिक डर गया और वापस आ गया। अरे वाह, तब तो तुम जब चाहो मालिक को धमकी देकर वापस आ सकते हो। काश ऐसा होता तो मैं रोज ही धमकी देकर वापस आ जाता। आज आप जल्दी क्यों आ गए? क्या करूं, गधा नदी में गिर गया, सारा नमक पानी में पिघल गया तो शहर जाके क्या बेचता, वापस आना पड़ा। अगर ये बात है तब तो मैं रोज ही वापस आ सकता हूँ। और दूसरे दिन मालिक फिर उसकी पीठ पर नमक की बोरी लाद कर शहर जाने के लिए जैसे ही नदी पार करने के लिए पुल पर चढ़ता है, गधा सोचता है, यही मौका है, नदी में गिरने के बहाने कूद जाता हूँ, नमक पिघल जाएगा तो मालिक मुझे वापस घर ले जाएगा। घबरा मत मेरे गधे, मैं आ रहा हूँ। अरे यार, आज फिर घर वापस जाना पड़ेगा। घर आने पर बरामदे में फिर सारे जानवर पूछते हैं तो कल की तरह वो फिर बड़ाई मारता है, वही यार, आज फिर मोड़ नहीं हुआ, मैंने मालिक को दुलत्ती मारकर दांत तोड़ने की धमकी दी, बस वो मुझे वापस लेकर आ गया, अब तो मालिक मेरे कहने में चलता है, कल से मैं रोज उसे आधे रास्ते में ले जाकर धमकी दूंगा और वापस आ जाया करूंगा। वाह यार, तुम्हारे तो मजे हैं। और सचमुच गधे के मजे हो जाते हैं। उसे ये बढ़िया आइडिया मिल गया था। वो रोज नदी के पुल पर जाते ही पैर फिसलने के बहाने नदी में गिरता तो उसके ऊपर रखा नमक पिघल जाता। मालिक नदी में कूदकर उसे बचाता और वापस घर लौटाता। एक दिन घर आकर मालिक देखता है कि गाय, बकरी, कुत्ता गधे की सेवा में लगे हैं। ये लो गधे भैया, रस भरा चारा खाओ। खाने के बाद पानी पीना गधे भैया, रख दो। क्या बात है, आजकल बड़ी सेवा कर रहे हो मेरी, चलो यही तो मैं चाहता था। सेवा तो करनी ही पड़ेगी गधे भाई, अरे जब आपकी दुलत्ती की धमकी से मालिक जैसे इंसान डर गया तो हम क्या चीज है।
क्यों बकरी? जी गाय बहन। ओ, इसका मतलब ये आलसी गधा जानबूझकर नदी में गिरता है। इसकी चालाकी समझ गया मैं। काम ना करना पड़े इसलिए नदी में गिरकर नमक पिघला देता है और मुझे वापस आना पड़ता है। ठीक है बे गधे, कल तुझे मजा चखाता हूँ। और दूसरे दिन मालिक बड़ी ही चलाकी से नमक के बजाय चूने की बोरी उसके ऊपर लाद देता है। पुल पर पहुंचते ही जैसे ही गिरने के बहाने गधा नदी में कूदता है, बोरी पानी में भीगते ही चूना जलने लगता है और उसकी पूरी पीठ पर आग सी लगती है। आ, 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 अरे ये बचाने क्यों नहीं आ रहा? अब क्या मुझे ही मेहनत करनी पड़ेगी? आ, आ। और फिर चीखता हुआ किनारे की तरफ भागता है। किनारे पहुंचते ही मालिक उसे पकड़कर घर ले आता है। क्या बात है गधे भाई, आज तुम बड़ी जल्दी शहर जाकर आ गए। अरे गाय बहन, शहर तो मैं गया ही नहीं। फिर इतने थके थके क्यों लग रहे हो? क्या बताऊं बकरी बहन, आज मैं नदी के पुल से पानी में गिरा तो मेरी पीठ जलने लगी। रोज गिरता था तो ऐसा नहीं होता था, आज पता नहीं कैसे जलने लगा। हो जाता है, कभी कभी ऐसा हो जाता है। मगर दूसरे दिन भी जब गधा फिसलने के बहाने नदी में कूदता है तो आज उसकी पीठ कुछ ज्यादा ही जलती है। वो दर्द से चीखता है। आलसी गधे, मैं समझ गया हूँ तेरी चाल। आज तेरी पीठ पर सिर्फ चूना ही रखा था। गधा दर्द से चीखता हुआ बाहर आता है। उसके किनारे आते ही मालिक आकर उसे कान से पकड़ता है। कब तक वापस घर जाएंगे? बारिश तो 4 महीने रहेगी। 4 महीने तक फिसलता रहेगा तो मेरा धंधा ही चौपट हो जाएगा। चल आज शहर जाकर ही आते हैं। और उस दिन मालिक पूरे दिन गधे को शहर में घुमा घुमा कर इतने दिनों के आराम का बदला ले लेता है। गधा भी सोचता है, बाप रे, अगर आज थोड़ी देर और आलस करके पानी में रहता तो मैं मर ही जाता। आज एक बात मेरी समझ में आ गई है, इंसान हो या जानवर, उसे आलसी नहीं होना चाहिए, वरना आलस की वजह से वो पानी में ही नहीं शमशान में भी जल सकता है। एक दिन जंगल में शिकार खेलने आई टीम के साथ आए कुत्ते से शेर की मुलाकात हो जाती है। कुत्ते के ठाट बाट देखकर शेर पूछता है तो वो बताता है, मैं तो इंसानों के बीच बड़े ऐश से रहता हूँ। टाइम से खाना, टाइम से पीना, टाइम से घूमने जाना, टाइम से मेरी दवा दारू सब होती है। किसी भी चीज के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती। यार मुझे भी ऐसी जिंदगी चाहिए। इसके लिए तुम्हें पालतू बनना पड़ेगा। पालतू? वो क्या होता है? किसी भी इंसान के घर में रहने को पालतू कहते हैं। पर कोई इंसान मुझे क्यों पालेगा? वो तो वैसे ही मुझे देखकर डरकर भाग जाते हैं। उन्हें देखते ही अपनी पूंछ को नहीं नहीं में हिलाने का, इससे वो समझ जाते हैं कि हम उन्हें हानि नहीं पहुंचाएंगे, तो वो प्यार से हमारे सर पर हाथ फेरते हैं और हमें पाल लेते हैं। ओह। बट उनके साथ रहकर हमें बहुत कुछ सहना भी पड़ता है। पर मुझे तो पूंछ हिलाना नहीं आता। आ जाएगा, ये देखो ऐसे हिलाते हैं, ट्राई करो। दूसरे दिन शेर एक शिकारी को देखकर पूंछ हिलाता हुआ उसके पास पहुंचता है तो शिकारी उसके सर और गले पर हाथ फिराता हुआ उसे पालतू बनाकर अपने घर ले आता है। घर का दरवाजा खुलता है और शेर को अंदर आते देख वाइफ और बच्ची एकदम से डर जाते हैं। हाँ? बेटी बेटी भागो भागो, शेर आया। मम्मी बचाओ बचाओ। अरे घबराओ मत, ये हमारा पालतू शेर है। अरे हाँ, ये तो हमारा दोस्त बन गया। अरे
वाह मम्मी, अब मैं भी अपनी पूरी सोसाइटी में शेर को लेकर घूमूंगी, अपनी क्लास में भी सभी को शेर दिखाऊंगी। अरे नहीं नहीं, इसे मत मारो वरना। क्यों? मैं आपको एक मोरल स्टोरी सुनाती हूँ। एक बार ना कई चूहे शेर के ऊपर उछल कूद कर रहे थे। ये देखकर शेर ने एक छोटे चूहे को पकड़ लिया और उसे मारना चाहा, पर चूहे ने कहा, मुझे छोड़ दो, कभी मैं भी तुम्हारे काम आऊंगा। शेर ने सोचा, ये मेरे क्या काम आएगा, फिर भी उसे छोड़ दिया। फिर क्या हुआ बेटी? एक दिन एक शिकारी ने शेर को अपने जाल में फंसा लिया। शेर ने काफी कोशिश की पर जाल से निकल नहीं पाया। तब उसी चूहे ने आकर अपने दांतों से जाल को काटा और शेर को बचा लिया। इसीलिए कभी चूहे को मारना मत, नहीं तो आपको कौन बचाएगा। बच्चे की बात शेर पर इतना असर करती है कि उसके बाद रात को बेचारा सो भी नहीं पाता है। पूरी रात चूहे उस पर कूदते हैं पर वो कुछ नहीं करता है। ओहो, मेरी नींद खराब कर रहे हैं, पर क्या करूं, इन्हें मारूंगा तो मेरा जाल कौन काटेगा। दूसरे दिन बच्ची अपनी मम्मी के साथ शेर को भी कुत्ते की तरह घुमाने निकलती है तो गली के कुत्ते उसे देखकर भौंकते हैं। बट उनके साथ रहकर हमें बहुत कुछ सहना भी पड़ता है। मम्मी, शेर को खून निकल रहा है। कोई बात नहीं, घर चलकर दवा लगा देंगे। और घर लाकर शिकारी उसके जख्म पर दवा लगाता है तो शेर सिसकारी भरता है। शिकारी उस पर पट्टी कर देता है। चलो हम लोग खाना खा ले। कुछ ही देर में वाइफ वापस आती है और चादर में लाल दवा लगी देख चिल्लाती है, अरे ये क्या, चादर खराब कर दी। इस शेर से तो कुत्ता अच्छा है, कम से कम समझदारी से तो रहता है। क्यों बे, तेरी समझ में नहीं आया? अरे बैठेगा तो दवा कहीं लग सकती है, हैं? संभल के नहीं बैठ सकता? हाँ? मम्मी पापा, इतना चिकन नहीं खाऊंगी मैं, जूठा है, क्या करूं, फेंक दूं? अरे फेंकना क्यों, शेर के सामने डाल दे, खा लेगा। ये क्या, जंगल में दूसरे जानवर मेरा जूठा खाते थे और यहाँ मैं। इसकी सांस की आवाज से मुझे टीवी देखने में डिस्टर्ब हो रहा है। ए, जा, जाके वहाँ बैठ। पहले दिन आया तब कितने खुश थे, अब मुझे कुत्ते की तरह दुत्कार रहे हैं। सोच रहा हूँ ये घर छोड़कर भाग जाऊँ। अरे मम्मी देखो, टीवी पर न्यूज आ रही है, शहर में एक शेर अचानक से आ गया, लोगों में भगदड़ मच गई और पुलिस ने शेर को गोली मारकर उसे जान से मार दिया। हाँ? बाप रे, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। कुत्ते की तरह मैं घर छोड़कर भाग भी नहीं सकता। कुत्ते को बाहर देखकर कोई कुछ नहीं कहेगा पर मेरे बाहर जाते ही शहर में भगदड़ मच जाएगी और पुलिस आकर मुझे गोली भी मार सकती है। उफ, आज पहली बार मुझे अपने शेर होने पर पछतावा हो रहा है। काश मैं कुत्ता होता, कम से कम घर से भाग तो जाता। वो कुछ दिन और मजबूर सा उन्हें सहन करता है मगर एक दिन मौका मिलते ही वो घर छोड़कर जंगल भाग जाता है। जंगल की हरियाली बहुत दिनों बाद देखते ही वो खुशी से चिल्लाता है। उसकी दहाड़ पूरे जंगल में गूंज उठती है। शेर की दहाड़ सुनते ही जंगल के जानवरों में अफरा तफरी मच जाती है। सारे जानवर घबराते भागते हुए एक दूसरे के पास इकट्ठा होते हुए कहते हैं, अरे बाप रे, लगता है शेर आज वापस आ गया। इससे पहले कि ये मुझ पर भौंके, मुझे काटे,
मैं हाथ जोड़कर माफी मांग लेता हूँ। हमारा नमस्कार स्वीकार करो महाराज, और हमसे कोई गलती हुई हो तो माफ करो। कैसी गलती? आप इतने दिन शहर में रहे और हम आपके स्वागत के लिए कुछ कर नहीं पाए। हमें आपकी गुफा साफ करके वहाँ खाने के लिए 2-3 अलग अलग टाइप के जानवर का शिकार करके रखना चाहिए था। अरे मैं तो डर रहा था कि ये मुझे काटेंगे, पर ये तो मुझसे माफी मांगकर मेरी सेवा करना चाहते हैं। हमारे लायक भी कोई सेवा हो तो बताइए महाराज। वाह, अब मैं सही जगह पर आया हूँ। वहाँ इंसान सच ही कहते थे, छोटी से छोटी चीज की भी अपनी सही जगह पर कीमत होती है। मेरी भी इज्जत इंसानों के बीच नहीं, जंगल में जानवरों के बीच ही है। आज से मैं अपना जंगल छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा।